प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। डीएम ने धान क्रॉप कटिंग का किया निरीक्षण, खाद एवं कीटनाशक दवाओं के बारे में लिया जानकारी। सरपंच की गोली मारकर हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। जनसंपर्क संवाद यात्रा कार्यक्रम का आयोजन, सांसद और जदयू एमएलसी ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। ओवरब्रिज निर्माण के दौरान हुआ बड़ा हादसा, हादसे में हुई दो मजदूरों की मौत। पुरानी रंजिश के चलते घर में लगाई आग, आग लगने से सारा सामान जलकर हुआ खाक। मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। खबर रोहतास से है, जहां आयकर विभाग के 36 घंटे तक लगातार चली छापेमारी खत्म हो गई और छापेमारी के बाद आयकर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कई कागजात और लैपटॉप बरामद किए गए। बता दें कि आईटी की टीम लगातार छापेमारी कर एक्शन मोड में नजर आ रही है। 36 घंटों से लगातार छापेमारी की कार्रवाई चली। 36 ने कई कागजात और लैपटॉप बरामद किए हैं। आयकर विभाग के 36 घंटों तक लगातार चल रही छापेमारी अब खत्म हो गई है और छापेमारी के बाद आयकर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कई कागजात और लैपटॉप बरामद किए गए हैं। बता दें आईटी की टीम लगातार छापेमारी कर एक्शन मोड में नजर आ रही है। यानी 36 घंटों से लगातार छापेमारी चल रही थी जो खत्म हो गई है। टीम ने कई कागजात और लैपटॉप बरामद किए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मंजीत हमसे जुड़ेंगे। मंजीत, आयकर विभाग की 36 घंटों तक लगातार छापेमारी खत्म हो गई है, क्या कुछ सामने आया है? आयकर विभाग का छापेमारी चल रही थी जो राजद विधायक टेहरी के हैं, फतेह बहादुर, उनके आवास और होटल दोनों जगह छापेमारी 36 घंटों से चल रही थी और आज पहले सुबह उस आयकर विभाग के द्वारा जो छापेमारी चल रही थी उसको खत्म कर दिया गया है। और सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि आयकर विभाग के सूत्रों से हवाले से पता चल रहा है कि अभी तक फतेह बहादुर टेहरी में नहीं है और आयकर विभाग के अधिकारी जो हैं अपनी छापेमारी खत्म कर दी है। जी धन्यवाद मंजीत तमाम जानकारियों के लिए। नवादा से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां हिसुआ थाना क्षेत्र के मझवे गांव में दहेज लोभियों ने 7 माह की एक गर्भवती महिला की पीट पीट कर हत्या कर दी। हत्या के बाद मृतका के ससुराल वाले घर छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद मृतका के भाई ने पति, सास, ससुर पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दी है। बाहर में रहता था, नमन के घुमंड पैसा मांगता था और उसके बाद बहुत पर पंचायती भी हुआ। उसके बाद 2 लाख रुपया मेरे पप्पा जी और दिए रसगद्दी में। अच्छा, रसगद्दी करवाया, गद्दी हुआ 2018 में जब रसगद्दी हो गया उसके बाद फिर से उसको परेशान किया।
खबर नालंदा से है, जहां रजौली से लेकर बख्तियारपुर तक फोर लेन सड़क निर्माण को लेकर चुरारमन बिगहा चौक के पास ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। बता दें, इसी दौरान एक बड़ा सा गाटर टूटकर अचानक नीचे गिरने से गाटर के नीचे दबकर दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। कुछ लोग के दबने का आशंका है और ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि ये लोग कौन थे और कहां के थे, इसके कर्मचारी भी होंगे, लेकिन ये मलबा हटाने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा और हटाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इतना जल्द हो पाएगा इसका हम लोग यहाँ से हटाएंगे। सर, क्या जैसे काम ये चल रहा है सर? ये तो फोर लेन का निर्माण चल रहा था। ये कहाँ से कहाँ बढ़ रहा है सर? रजौली। अच्छा, चढ़ाते चढ़ाते टूट गया। ना उसमें कोई मटेरियल है, ना छड़ है, ना गिट्टी है, ना सीमेंट है। जब अखने तो ये दासा टूट कर गिर रहा है। खबर बेतिया से है, जहां उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने अनुमंडल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान वो अस्पताल में गंदगी को देखकर भड़क गए और सफाई करने वाले एनजीओ और कर्मियों तथा अस्पताल उपाध्यक्ष की जमकर फटकार लगाई। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री द्वारा महिला वार्ड, प्रसव कक्ष और आपात कक्ष सहित पूरे अस्पताल की जाँच की गई। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखिए हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। आपका स्वागत है, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर बेतिया के बगहा से है, जहां उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव वाल्मीकि नगर दौरे पर पहुंचे। वहां पर डिप्टी सीएम ने जंगल सफारी के बाद वाल्मीकि नगर के पर्यटन स्थलों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वाल्मीकि नगर में पर्यटन के क्षेत्र में सरकार कई नई योजनाओं पर काम कर रही है। जानकारी के मुताबिक वाल्मीकि नगर के लिए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ऑन रोड निकल पड़े थे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने भेंट करते हुए और अनुमंडलीय अस्पताल बगहा का निरीक्षण करते हुए देर रात वाल्मीकि नगर पहुंचे। मिला है ये टाइगर रिजर्व में, फॉरेस्ट में, और काफ़ी दिन से हम लोग इच्छुक थे यहाँ आने के, लेकिन मौका कभी मिल नहीं पाया। और क्योंकि टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है उसका प्रभार जो है हमारे पास है, तो टूरिज्म को क्षेत्रों को देखते हुए, चाहे वाल्मीकि नगर का इलाका हो, वैशाली हो, राजगीर हो, गया हो, या और कैमूर के इलाके हैं, हम लोगों को जब तक फिजिकली आप जाके ना देखें। खबर हाजीपुर से है, जहां एक युवक के घर में पुरानी रंजिश दुश्मनी के चलते दबंगों ने आग लगा दिया और घर में रखे जेवरों को भी गायब कर दिया। बता दें कि आग लगने से घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया और इसकी सूचना औद्योगिक थाना को दी गई।
आदमी था मेरे पीछे। अच्छा। उसमें होते हुए होते होते हमारे सब बात हुआ, झगड़ा लगा, झगड़ा लड़ाई हुआ सब। उसको बाद में मान गए कि हमको घर में, हाँ बेल्ट का तो कहेंगे बेल्ट कराए थे, सुनो कहें कैसे बेल्ट कराने के, हम बेल्ट करा के आए आइया, घर में आग लगा दिया गया। अच्छा, तो कौन लोग आग लगाए थे? आग लगा दिया मैं, सुनील है, शकरदीप, अथी अथीना भी छोड़ के दे। दुश्मन का गिरी से पहले से दुश्मन गिरी चल रहा है। हाँ। दुश्मन गिरी से घर में आग लगा दिया, पाछे से हम लोग यहाँ नहीं रहते थे, हम लोग झगड़ा झुगड़ी रहे बाहर भाग गए थे, बाल बच्चा जरने तरने भाग गया, हम लोग घर छोड़ दिए। घर में पैसा उसा भी था घर में? हाँ पैसा रहे। अच्छा। 5 लाख रुपया रहे घर में जमा करे जाला रहे शाम में। खबर नालंदा से है, जहां बिहार शरीफ मुख्यालय के टाउन हॉल में जनसंपर्क संवाद यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व सांसद और जदयू एमएलसी ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता जदयू के युवा के सक्रिय नेता भवानी सिंह ने किया। वहीं इस मौके पर जदयू एमएलसी संजय सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देशानुसार बिहार के कई जिलों में अब तक जनसंपर्क के कई संवाद यात्रा कार्यक्रम हो चुके हैं। का टाउन हॉल बिहार शरीफ में हुआ है। इस कार्यक्रम में एक जनसंवाद स्थापित करना है, जो भी हमारे सरकार के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है जनहित में, उसको संवाद के द्वारा कार्यकर्ताओं को और जनता के द्वारा बीच उसको रखना है, जिसका मकसद ये है कि संवाद स्थापित करने के लिए। समाज में क्या संदेश देना चाह रहे हैं? समाज में यही संदेश है कि सब लोग आपसी भाईचारे से रहें। बोलते हैं वो काम करते हैं। 10 लाख तेजस्वी यादव जी बोले थे, हमारा नेता नीतीश कुमार जी 20 लाख नौकरी देने का काम वादा किए हैं, तो निश्चित तौर पर जो बोलते हैं वो करते हैं। अभी लगातार वैकेंसी निकल रहा है, नया लगातार नियुक्ति पत्र मिल रहा है, इसलिए आप लोग को चिंता करने। भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठा पार्टी है, झूठ बोल के फरेब है, फरेबी लोग हैं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दावपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। आपका स्वागत है, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर नालंदा से है, जहां उप सरपंच की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं इस मामले की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में जांच कर बताया कि मृतक के सर पर 3 चोट के निशान है, जिसे यह पता चलता है कि उनके सर में गोली मारकर हत्या की गई है। और उन्होंने कहा कि अभी तक परिवार वालों ने मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। को जानकारी मिली है, इवन सबको जानकारी सुबह के ही पता चली है कि कोरमा के उप सरपंच पति हैं, ये कल गए थे ओकरी थाना क्षेत्र में, उनका ससुराल है, वहाँ गए थे और वहाँ से लौट रहे थे। उसके बाद ससुराल वाले ने जैसे बताया है कि शायद लौट ये घर में कुछ काम था, ये कहीं का फोन उन आ रहा था, उसके बाद उनको लौटना जरूरी था, इसी क्रम में घर नहीं आए हैं और इनके साथ में घटना घट गई है। क्योंकि ये गंभीर मसला है, हम लोग बहुत डिटेल में इस पर अनुसंधान कर रहे हैं, क्या क्या इसका बिंदु हो सकते हैं। ललित यादव की हत्या हुई है,
प्रथम दृष्टिया में जो बातें आ रहा है जहां से डेड बॉडी रिकवर हुआ है उसमें खून के छींटे नहीं पाए गए हैं। अपराधी जिस रूप में हत्या को अंजाम दिया है उसकी रपटें जो प्रतिवेदन जांच के आएंगे पोस्टमार्टम को वह भी खुलासे होंगे, लेकिन यह स्पष्ट जरूर लगता है यह हत्या देर रात की गई है। खबर सहरसा से है जहां जिला पदाधिकारी ने प्रखंड के देवारी पंचायत में धान का फसल क्रॉप कटिंग का निरीक्षण किया और इस दौरान जिला अधिकारी ने किसानों से खेतों में लगाए गए धान के बीज खाद एवं कीटनाशक दवाओं के बारे में जानकारी ली। वहीं इस मामले में जिला अधिकारी ने कहा कि क्रॉप कटिंग के आधार पर ही जिले में फसलों की औसत उपज और उत्पादन के आंकड़े तैयार किए जाते हैं जिससे जिले में हो रहे उत्पादन की सटीक जानकारी हासिल की जाती है। ये रेगुलर एक्सपेरिमेंट है जिसके जिला पदाधिकारी से लेकर नीचे तक सभी पदाधिकारी रैंडमली करते हैं ताकि हम अपना क्रॉप यील्ड देख सकें। इस बार पिछले साल के कंपैरिजन में हमारा ज़्यादा अच्छा यील्ड है और प्रोक्योरमेंट सीजन भी ऑन है, तो सभी किसान भाइयों बहनों से मेरा यही अनुरोध है कि आप लोग चाहे छोटे से छोटे किसान हो जितना भी आपका धान है आप हमारे प्रोक्योरमेंट चैनल के थ्रू दीजिए। आज की डेट पे सहरसा लगभग 1600 मेट्रिक टन का प्रोक्योरमेंट कर चुका है। 300 खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है जहां भाजपा सांसद सह बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व पर्यटन मंत्री सह स्थानीय विधायक के तत्वाधान में कई सड़कों का शिलान्यास हुआ और इस दौरान सरकार ने नौतन प्रखंड क्षेत्र के सभी गांवों को एक गांव से जो दूसरे गांव तक जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने संकल्प किया। वहीं इस मामले में सांसद व पूर्व पर्यटन मंत्री ने बताया कि नौतन विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का जाल इस तरह फैला दिया गया है कि ग्रामीणों को इसका हर तरह से लाभ मिलेगा। बिहार की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर। न कोई शोर शराबा, न कोई एजेंडा। जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल। जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल हम। पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष खड़े हैं हम। निष्पक्ष और निडरता के साथ बात करते हैं हम, क्योंकि प्राइम टीवी है हम। चाणक्य की कूटनीति हूँ मैं, आर्यभट्ट का आविष्कार हूँ मैं,